अच्छा मरियम शेख, इनका सवाल ये है कि बिना मेहंदी धोए नमाज पढ़ सकते हैं? मसलन किसी ने मेहंदी लगाई और वुज़ू कर लिया था और अब मेहंदी सूख गई लेकिन अभी छुटाने का टाइम नहीं है या फिर नमाज का टाइम जा रहा है, तो इस सूरत में मेहंदी छुटाने में ज़्यादा टाइम लगेगा तो नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं? तो असल में अगर पहले वुज़ू कर लिया गया मेहंदी लगाने से पहले, तो मेहंदी कोई नापाक चीज़ तो नहीं है। अगर वो हाथों पर लगी रहे और उसको छुटाया नहीं गया, तो इस सूरत में भी अगर नमाज़ पढ़ ली गई तो नमाज हो जानी चाहिए। इसमें कोई शरई हर्ज वाली बात समझ में नहीं आ रही, और ये मेरा कयास है, हो सकता है कि गलत हो, लेकिन बेहतर ये है कि मेहंदी अगर वक्त है तो छुटा ली जाए, लेकिन अगर वक्त जाता हो और मेहंदी छुटाने का टाइम ना हो और वज़ू भी किया हुआ हो, वज़ू बाकी हो, तो इस सूरत में नमाज जो है ना वो पढ़ी जा सकती है, मेहंदी हाथों में लगे हुए नमाज पढ़ सकते हैं। विजिट करें qazacalculator.smsfarsi.com पर और इस कैलकुलेटर से अपनी तमाम कज़ा नमाजों का हिसाब मिनटों में करें और डाउनलोड भी करें।